टेस्टी रेसिपीज। मैं सतविंदर कौर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक बच्चों की रेसिपी जिसका नाम है कोकोनट माइस। ये किड्स की रेसिपी है। कई बार छुट्टियों में हम देखते हैं कि बच्चे हमारे बोर हो जाते हैं, कोई उन्हें एक्टिविटी करने का मन करता है तब भी नहीं वो कुछ करते हैं, तो क्यों ना हम उन्हें किचन में इन्वॉल्व करके उनसे छुटियाती रेसिपीज बनाएं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कोकोनट माइस कैसे बनाते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी। उसके लिए हमें चाहिए 1 से 2 चम्मच कंडेंस मिल्क, थोड़ा सा डेजिकेटेड कोकोनट और कैस्टर शुगर। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम एक बाउल में 2 से 3 चम्मच कोकोनट पाउडर ले लेंगे। उसमें हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच कैस्टर शुगर, पीसी हुई शक्कर, और इसमें हम डालेंगे, पहले हम थोड़ा सा ही डालेंगे कंडेंस मिल्क, और ज़रूरत लगे तो हम इसे और डालेंगे, और इसे हम हाथ से गून लेंगे। इसे धीरे धीरे मिक्स करेंगे और इसका एक लड्डू बनाएंगे। ओके, तो हमारा ये लड्डू रेडी है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा और कंडेंस मिल्क यूज़ कर सकते हैं ताकि ये थोड़ा स्टिकी बने और इसे हम अच्छा सा एक शेप दे सकें। अब हम इसे एक माउस का शेप देंगे। ओके, ये माउस का शेप आ गया है। मेरे पास कुछ नमकीन था तो मैंने उसको सोचा माउस की हम मूछें लगा सकते हैं इसकी। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे इसकी मूछें, और इसके कान बनाने के लिए मेरे पास है ये बादाम। धीरे धीरे हमें करना है, नहीं तो हमारा ये माउस टूट सकता है। इसकी आंखों के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़ी सी चॉकलेट। ऐसे गोल करके हम उसकी आंखें बना लेंगे और इसे ऐसे स्टिक कर देंगे। ये दूसरी तरफ भी लगा देते हैं। ये छोटा सा चेरी का मेरे पास पीस है, वो हम आगे लगा देंगे। एक मूछ और लगा देती हूँ। अब बारी है पूंछ की। इसकी ये पूंछ भी रेडी है। तो रेडी है हमारा स्वीट और क्यूट माउस। अपने बच्चों से इसे जरूर बनवाइए। आई एम श्योर दे विल रियली लाइक इट। अगर आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने सजेशंस और कमेंट्स हमारे ईमेल एड्रेस पर जरूर सेंड कीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी कुछ छोटी मोटी रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।